हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग दोस्तों। हेलो हेलो दोस्तों दोस्तों हम निकल चुके हैं कहाँ के लिए? ओ नो, हैवी लॉस। पूर्णी दोस्तों हम जा रहे हैं पूर्णी, पूर्णिमा का चांद देखने आज। वहां से दोस्तों 3 घंटे की वॉक है और पूर्णी पे जाने के लिए आपको फुकतल से टैक्सी लेनी पड़ती है। तो हम से कहाँ थे अपन? सॉरी, हैवी लॉस। डायरेक्शन इधर उधर है इसके साथ। पदुम से यार दोस्तों, हमने पदुम से एक मस्त प्यारी सी टैक्सी हमें मिल गई। किस्मत अच्छी थी। हम ना ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आए और जितनी देर में ब्रेकफास्ट खत्म होता हमें एंजल मिला। एंजल ने टैक्सी बुक करी और हम निकल चुके हैं पुख्तल के लिए। अभी हमें पूर्णी जाना है, पूर्णी पे गाड़ी रुकेगी, फिर वहां से हम जाएंगे 3 घंटे की वॉक पे। मैं तो बहुत सुपर एक्साइटेड हूँ और थोड़ा रास्ता खराब है जब तक आप JCB की खुदाई देखें। दोस्तों सारे दिन इतने स्मूथ से जा रहे थे ना, एंड पे जाते जाते भगवान ने कहा हमारे साथ इतने आराम से थोड़ी चीजें होंगी। अब हम एक ऐसी जगह पे हैं, ऐसी जगह पे ना आगे समझ आ रहा है ना पीछे समझ आ रहा है, और हम बीच में, बिल्कुल बीच में। और ये 3 किलोमीटर दिखा रहे हैं आपको, ठीक है? और ये जो मतलब सारे आंटी हैं ये बोल रहे हैं हाँ हाँ सीधा जाओ बस। हाँ, 3 किलोमीटर मतलब 1 घंटा नॉर्मल लगता है वॉक में, और अगर एसेंड है तो हमें लग जाएगा 1.5 घंटा। मैं तो रेडी हूँ। तो रेडी चलो चलते हैं फिर। चलो एक मैगी है अपने पास। ओ भाई लेके गया था, गुड टू गो। पानी नहीं है, ओनली मैगी। ना कुछ खाने को है सच में, और पानी की एक बोतल थी वो गाड़ी में भूल गए और उस गाड़ी वाले का नंबर नहीं मिल रहा। हैवीएस्ट लॉस एवर। ये पानी की बोतल लेंगे, भर लेंगे। ऐसे दिन आ गए इसके, मंकी मैजिक चलते हैं। बाय, थैंक यू। अच्छे लोग तो मिल ही जाते हैं। चलो कितनी भी प्रॉब्लम हो लाइफ में लोग अच्छे मिल जाते हैं। वो तो ठीक है। यहाँ पे ये जो गेस्ट हाउस का बोर्ड लगा हुआ है वो क्या ये है? देख ये तूने एक बचपन में इंग्लिश लिटरेचर में स्टोरी पढ़ी थी, पोइम थी, पता नहीं कहानी थी क्या, पेबल वाली, कि एक बंदा होता है वैसे डेजर्ट में खो जाता है, पानी को पीने को प्यासा हो पानी नहीं मिलता, कैसे प्यास बुझाता है पता है? पेबल से। पेबल समझता क्या है? छोटा स्टोन नहीं होता, उसको ऐसे मुंह में रखता है और चूसता रहता है तो पानी आता उससे। हाँ वो मुझे रियल होते दिख रही है। मत बोल। ओके थोड़ा सही है, पहुंच जाएंगे। वो तोरी नहीं, ब्लॉगिंग मत कर। अच्छा मतलब देख रहे दोस्तों अपनी जान हथेली पे रख के, वो सही में फेटल हो गए भाई। एनर्जी वेस्ट कर रहे। आपने वो लाइन सुनी है, बाबा यू हैव कम अलोंग? ओ पता नहीं कहाँ से आए हम, बहुत दूर आ गए। हे माँ शक्ति दे। मैं कहता हूँ यही मोनेस्ट्री बना देते हैं, फ्लैग लगाओ, मैं यहाँ लगा देता हूँ। क्या बोलती तू? ओ शुक्र है प्लेन रोड आई है। बात कर यार, चुप क्यों है? बोल ही नहीं रहे, क्या हुआ? घंटे बाद पूछूंगा तेरे से, जितना बोल रहा है ना मुंह नहीं खुलेगा ना। बात करती रहनी चाहिए यार, टॉकिंग इज गुड फॉर मेंटल हेल्थ। मजा आ रहा है, थोड़े से रह गया। जस्ट चलने का कोई स्ट्रेस नहीं है, मेरे को और पानी नहीं है हमारे पास। दोस्तों फ्रस्ट्रेट हो चुका है, पागल हो चुका है, गालियां दे रहा है। आगे आगे ऑटो स्ट्रीम है। अच्छा तेरे को पता है, अच्छी दूर ये चिल है अभी। हाँ चिल ही लग रहा है। चलेंगे दोस्तों, मजा आ रहा है।
ये तो मस्ती चल रही है, मस्ती चल रही है, सही बात है। सहना पड़ेगा आगे दोस्तों, सुंदर को देखोगे ये। गाड़ी जाती है इस रास्ते पे, इधर पैदल चल रहे हम। तो कैब कर लेते, 8,000 रुपए तो ले रहा था दोस्तों, सेंड में नहीं, 8,000 बोल दे, 8,000 होते में बंद कर दूंगा। 8,000 ले रहा था, कैब वाले से पूछा था, हमने कहा पागल है भाई, फिर हम 500 दे के आए हैं, 1,000 रुपए में पहुंच गए। अब यहाँ से वॉक करना, ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर है, और वैसे भी रोड आगे तक नहीं जाती है, तो हमें एनी हाउ वॉक करना ही था। वैसे भी तो हम वॉक करने आए थे, पहले से वॉक कर रहे, बस ये है कि यहाँ कोई जानवर ना मिले। जान होते हैं क्या होते हैं दोस्तों, हमने कभी पोलर बियर देखा है? पीट देगा मेरे को, बट ये मुझे कुछ कह भी नहीं सकता अभी, सेवियर इसका मैं ही हूँ सिर्फ। हमारे पास खाने के लिए पता क्या है, मैगी का एक पैकेट, वो भी हमें दिया ड्राइवर भाई ने, स्टेंजन भाई ने दिया हमें, जाती अपनी 10 रुपये वाला ही हो, कच्ची मैगी खानी होगी आज, मेरे को उसका महत्व समझ आएगा, आगे तो मैं मैगी की पूजा करूँगा। दोस्तों हम बिना रुके ना बहुत अच्छा चल के आए और बिना बात किए, और यहाँ के क्या पता चलता है, 3, 2, 1 हैवी लॉस दोस्तों, रोड ही नहीं आगे, वहां तक शायद जाना है, और ये सड़क खत्म, गेम ओवर। आगे की रोड खत्म है, देखो मैं गेस कर रहा हूँ कि यहाँ से ऐसा ऊपर जाना होगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, तो यहाँ चल के देखेंगे। कहाँ चल के, कहाँ? अच्छा रास्ता तो है ऊपर का, वो रहा पीछे से है ना, वो बहुत पीछे से था, मैंने तब देखा भी था। नहीं हाँ, ये जो जा रहा है ना ये, हाँ ये सड़क, हाँ तो मिल जाएंगे। नहीं चलो, एयर ग्रिल बनने का बहुत शौक चढ़ा था। क्या यहाँ से ऊपर नहीं चढ़ सकते भाई? कहाँ चढ़े? एसीबी के साथ, ये जो ऊपर जा रही है, हाँ ये यहाँ से तो जा रही है। चल ये नहीं है ना, अरे बिना गाइड के देख, ये सड़क कहाँ जा रही है? पेंच उस पार की सड़क देख रहा है, वो नहीं हो सकती ना, वो कहाँ पे, वो सड़कें नहीं, क्या वो क्यों होगी? पर वहाँ बहुत सारी गाड़ी क्यों पार्क है, मुझे क्या पता, वो नहीं हो सकती, वो तो इम्पॉसिबल है, वो नहीं है, है तो इधर ही, वही है यार ऊपर वाली, और कोई रास्ता ही नहीं है। चढ़ते हैं अब क्या करें, ज्यादा थ्रिल हो गए शायद, मैं डेड एंड आ गया भाई, बिलीव कर सकते हो आप, क्या ही बताऊं मैं दोस्तों, जेन्युइनली रास्ता नहीं है, सच में हम बहुत गंदा फंस चुके हैं, लिटरली कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अब पहले तो लगा था कि चलो बिना पानी के हो जाएगा, क्या ही बताऊं मैं अभी, तो जैसी भी हर जगह पहुंच जाती है यार। हाँ जी बियर ग्रिल सर, चलें, व्हाट डू यू से, यहाँ से चलते हैं। कहाँ से? यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से चलते हैं ना। हाँ सुन पा रहे तू क्या बोल रहे? हाँ यही रास्ता है, गुड ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स। दोस्तों लंच हो गया हमारा, क्या स्वाद लंच है ना, कुछ मैं बता नहीं सकता। गुट्टू को रास्ता बताइए एक बार। कह रही है
दोस्तों मुझे एंजल बोला गया है बचपन से, अगर आप मेरा चैनल आर्ट देखोगे ना वहाँ पे भी मेरे सर के ऊपर वो बना हुआ है प्यारा। बिस्किट है क्या तेरे पास? अब आ गया ना खाने। ओ भाई मुझे अगर पता होता ना अपनी बोतल छोड़ देगा, मैं अपनी बोतल लेके आता। बिस्किट निकला है अपने पास, समझ रहे हो आप इसका मतलब? समझ रहे हो दया, कुछ तो अच्छी बात हुई। इसका मतलब हम आगे फिर फंसेंगे क्या? चल दोस्तों आप सोच रहे होगे कि चलो ठीक है दो पागल तो हैं, लेकिन व्हाट इज द पॉइंट टू गो देयर? देखो किसी भी चीज का कुछ पॉइंट नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि वो कुछ बहुत ही फैंटास्टिक जगह इसलिए हम जा रहे हैं, मन में हुआ इसलिए जा रहे हैं। और वो मनुष्य वैसे 2500 साल पुरानी है। कितने? 2500 ईयर्स ओल्ड। हाँ 2500 साल पुरानी मोनेस्ट्री है वो। समझता है? वही बोल। कैसे गिनते कैसे हैं? गिनते कैसे? कार्बन डेटिंग होती है, उससे वो पता लगाते हैं कि कितने साल पुरानी होगी। वाह यार 2500 भी नहीं कह रहे तो। 250 तो ये हो गए भाई, 2500 तो मतलब चल रही है तब से। मतलब ऑब्वियसली विद टाइम थोड़ा डेवलपमेंट आया होगा। हाँ मतलब बट है तो उससे पुरानी ना। स्टार्ट हाँ कुछ उसमें होगा जो 2500 साल पुराना है जो सबसे पहले बना है। तो तुम सोचो इस रस्तों पे जिस रस्ते पे हम बैठे कितने ही लोग गुजर के गए हैं यहाँ से। वो लाइन सही से चूज कर गुजर के गए, अबे मतलब इन राहों से गुजर के गए। हाँ सड़क से क्रॉस किए हैं, गुजर गए हैं। गुजर गए नहीं बोला, गुजर के गए हैं बोला, गुजरे हैं। चलो दोस्तों चलते हैं। नहीं अभी बैठे हैं, पांच मिनट मजा आ रहा है, क्या करना है गाड़ी? मतलब दोस्तों को तो जाने दो। हाँ जाओ भाई बाय। नेक्स्ट शॉट देख लो, नेक्स्ट शॉट देख लो। मजा तो आ रहा है दोस्तों, ज्यादा ना सही। आज से 2-3 साल बाद रौनक और मैं कभी बैठ के अपने व्लॉग्स देखेंगे, एटलीस्ट हमें मजा तो आएगा हमारे। मुझे लगता है कि मैं यूट्यूब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखो बहुत बहुत तगड़ी चीज बताता हूँ। चलो बैठी है 2-4 मिनट, तो उसको ना लगा देता हूँ, नहीं दिखेगा। दियो गोरिल्ला मैं पकड़ लेता हूँ। हैं ले थक जाएगा तू मत, लाइट इधर से मुंह पे नहीं आ रही होगी ना तेरे को, लाइटिंग का क्या? उधर बैठता हूँ ना। हाँ जा जा, कुछ ज्यादा अच्छा बता रहा है जो लाइटिंग करवाई है दोस्तों। मैं बहुत अच्छी चीज शेयर। चल ठीक है, फ्रेम अच्छा बना दिया। अच्छा फ्रेम बना दे, बना दे। मैं उतार दूं? नहीं सही है। देखो दोस्तों मुझे लगता है कि मैं YouTube इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ना अपनी लाइव डॉक्यूमेंट करनी है। अभी मैं कभी कभी आज से अपनी 2-3-4 साल पुरानी कोई वीडियो देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि उस टाइम पे मैं कैसा इंसान था। और टू बी ऑनेस्ट मेरे को नहीं पता था कि मैंने YouTube क्यों करना है या फिर ये सब क्यों कर रहा हूँ, यहाँ क्या बैठ के मिल रहा है मुझे। लेकिन सच में एक अलग सा ही सुकून है इस वाली लाइफ में। और अभी रौनक के भी कभी कभी मैं वीडियोस पे कमेंट्स पढ़ता हूँ तो लोग लिखते हैं कि ये सब हम सोचते हैं करने के लिए, लेकिन पॉइंट यही है कि करता कौन है। मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कोई जॉब कर रहा है, कोई पढ़ रहा है। और जब मैं खुद को देखता हूँ शायद मैं अभी सक्सेसफुल नहीं हूँ, मतलब लोगों की नज़रों में शायद मेरे पास पैसे नहीं है लोगों की नज़रों में, लेकिन अगर मैं खुद को कभी भी अपने शीशे में देख के बोलूंगा ना तो वो यही है कि हाँ मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास पैसे भी हैं, मैं खुश भी हूँ। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। देखो फ्रीडम पैसे से आती है, ठीक है, और पैसा खुशी देता है। मेरे को बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे पास एटलीस्ट इतना अमाउंट ऑफ मनी होता है जिससे मैं घूम सकता हूँ और खा भी सकता हूँ, अपने दोस्त को अपने साथ वाले का भी ध्यान रख सकता हूँ। और मैं दिल से चाहता हूँ मेरी लाइफ में जब भी कोई लोग जुड़े या शायद कह लो मेरा पार्टनर है लाइफ में, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अर्न करे, मैं भी अर्न करूँ, और कभी मेरे को ऐसा ना फील हो कि यार तू अर्न नहीं करता है या फिर तू बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाता है। मुझे पता है कि मेरे को कितने पैसे चाहिए, मैं उतने में खुश हूँ, मैं अपने घर पे दे दूंगा, दोस्तों को दे दूंगा, खा पी लूंगा, ऐश कर लूंगा। लेकिन मुझे एक
लाइन में नहीं चलना कि भाई ऐसे करके ही ऐसे पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे नहीं पता आज इस मोमेंट पे मेरा यूट्यूब कहाँ है, आने वाले एक साल बाद दो साल बाद मैं कहाँ हूँगा, लेकिन मुझे इतना पता है मैं जहाँ भी हूँ ना हमेशा सुकून में हूँ। चाहे वो 5,000 सब्सक्राइबर हो, 50,000 हो, चाहे मेरी जब मैं 5,000 हो या 5,00,000 हो, मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ, ऐसा ही हूँ, ऐसा ही था। पत्थर वागू वो चश्मा टूटेगा। जस्ट लुक एट द व्यू यार, क्या सुंदर है यार। समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, ऐसा लग रहा है मैं विंडो एक्सपी का स्क्रीन सेवर के वॉलपेपर देख रहा हूँ। देखो ऐसे पहाड़ नहीं होते थे। आधा वापस वो इसी से गए हैं दोनों, थोड़ा ही है, ज्यादा नहीं है। पहले तू जा, बैग देता हूँ या मैं बिना बैग के जाता हूँ, मेरे को बैग पकड़ेगा दोस्तों। रास्ते नहीं है यार, ये मैं जाता हूँ, जाने दे, मुझे जाने दे, पकड़ बैग पकड़ा इधर हूँ। एक पैर यहाँ पे रखना है, हाँ, एक वो पैर का निशान है, दो तीन, तीन में जाना ठीक है। चल वही तो फिसल रहा है, देख के जाइयो, बक्सों की मत करियो। बिल्कुल ये ले। जल्दी आजा आजा, चल चल आ गया। ओ भाई क्रेजी था भाई, क्रेजी। दोस्तों मुझे अभी एकदम से ना बहुत तेज हिट हुआ, बहुत अच्छा रियलाइज हुआ कि हम मजाक मजाक में ना बहुत ज्यादा सुकून भरी खूबसूरत जगह पे आ गए यार, अनबिलीवेबल है। मतलब कभी कभी मेरा दिमाग ही प्रोसेस नहीं करता कि सच में इतनी प्यारी सुंदर जगहें होती हैं यार दुनिया में। दुनिया छोड़ो, इंडिया में, इंडिया छोड़ो, लेह लद्दाख में भाई। मैं चार बार लद्दाख आ चुका हूँ, मुझे नहीं पता था ऐसी जगह एग्जिस्ट करती है। मैं बहुत बहुत ज्यादा हो चुका हूँ, अभी वर्ड ही नहीं मिल रहा है, एक्साइटेड भी नहीं हूँ, ओवरवेल्म्ड हो चुका हूँ 2,500 साल पुरानी मोनेस्ट्री देखने के लिए। माय मैन, चाचा मेरा। तो चाचा का गेम ओवर हो गया, चाचा जाएगी, भतीजे में थोड़ी एनर्जी है। अभी कहता पानी पी ले, माउंट एवरेस्ट चढ़ा दो। माउंट एवरेस्ट फैटल होगा, थक गए दोस्तों बहुत ज़्यादा है अभी, मैं अभी नहीं बता पा रहा। फाइनली कैंटे नहीं, फुक्तर मोनेस्ट्री आ गए, थक गए थोड़ा, हम थके इसलिए क्योंकि हम दूसरे रूट से आए हैं, नॉर्मल रूट से नहीं आए। जिस रास्ते से घोड़े आते हैं ना उस रूट उस रास्ते से हम दो गधे आए हैं, पर हम जान के नहीं आए उस रास्ते से, हमें लोकल ने बोला यही रास्ता है, हम आ गए भाई, हमें क्या पता, बाहर में पता चला ये वाला तो सिंपल रास्ता था भाई, बिल्कुल ऐसे फ्लैट लैंड था, और हम पता नहीं कहाँ ट्रैक ट्रैक करके वो थके क्यों। हमने कुछ नहीं खाया भाई, मैगी का एक पैकेट खाया सुबह से, तो मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट ऐसे बता रहा हूँ दोस्त समझ के। दोस्तों जिंदगी का मजा आ गया हमें, क्या बोलता है हॉर्स वे। देखो दोस्तों आपको विश्वास नहीं करना, देखो दैट्स द वे हॉर्स वे। और चल चल तू चल, पहले पहले आप चाचा। दोस्तों हमारा जो चाचा भतीजे का रिश्ता ना, मैं आपको क्या बताऊं। दोस्तों कहानी में है एक नया ट्विस्ट, वो ट्विस्ट ये है कि इस पूरे रास्ते में जहाँ तक मोनेस्ट्री है एक होमस्टे है, होमस्टे नहीं एक गेस्ट हाउस है ऑल्सो। ये बोल रहा है कि रुक जाते हैं सुबह चलेंगे, मैंने कहा ठीक है
लेकिन हम दोनों का अंदर से मन था ऊपर जाके कहीं स्टे ढूंढने का, तो इसने बोला कि ऊपर सब मना कर रहे हैं यहाँ पे कि नहीं मिलेगा। हाँ। हमने कहा ठीक है, हमने कहा भाई को कि हमें एक रूम दिखा दो। फिर क्या होता है कुछ नहीं, वो बोलते पूरा का पूरा गेस्ट हाउस बुक है, और अब हम लिटरली यहाँ से 2.5 घंटे का वॉक है बाहर जाने दूसरे गाँव तक, तो हम रात भी हो गई, सनसेट होने वाला है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अब हम ऊपर जाएंगे मोनेस्ट्री में और मोनेस्ट्री के अंदर जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि आज रात हमें यहाँ पे बिताने दो, क्योंकि नीचे वाला गेस्ट हाउस बुक्ड है। वैसे वो बोलते थे कि नहीं देते स्टे क्योंकि गेस्ट हाउस में रुकने को बोलते हैं, बट क्योंकि गेस्ट हाउस सारा बुक्ड है तो शायद हमें स्टे ऊपर मिल जाए, तो हमें थोड़ा ऊपर जाके हाथ पैर मारने रिक्वेस्ट करना है लामा जी को कि कुछ व्यवस्था करो। तो यहाँ 15-20 लोग आ रहे हैं बोल रहा है, अभी तक तो आए नहीं है, कोई ग्रुप बड़ा आ गया है तो उस वजह से सब बुक्ड है, तो अभी हम दोनों को वरना हमें अंधेरे में ट्रैक करके जाना पड़ेगा। हमने तो भाई गेम ओवर दूसरे गांव तक। ओह नो, कपड़े भी नहीं है अपने, ठंड लग रही है, कुछ नहीं है, ढकने वकने का कुछ नहीं है, बस इसी में मत, जैसे बताया ना ब्रेकफास्ट हाफ स्लीव पहना है मैंने, सेम सेम ऐसे उठ के आ गया मैं ऐसे ही, और कुछ नहीं है बस, अब देखते हैं ऊपर जाके मोनेस्ट्री देखने का, मेरे को बहुत वो हो रहा है क्रेविंग। दोस्त तो थोड़ा चल चल के तो थक गए हैं, मेरा सब कुछ याद नहीं अब कुछ। कौवे क्यों इतने? आप भी आ गए? 2500 साल। हैड अ लॉट ऑफ फन दोस्तों आज। हां अभी जाते चलो भाई। हां जा रहे हैं जी जी। पानी दूं? फेंटा वर्जिन मोई तो वर्जिन मैम हो तो तू नहीं, तू वर्जिन मैम हो तो सनशाइन दे दे। मैं हूँ ना, गिव मी सम सनशाइन। मुझे देख लोग, जो लोग मुझे सनशाइन बुलाते हैं नीचे कमेंट करो, देखियो कमेंट, देखियो वीडियो का कौन बुलाता है पता है? बुलाते हैं लोग सच में, दोस्त मेरे हैं, देख लियो कमेंट पढ़ लियो, जो भी मुझे सनशाइन बुलाता है नीचे सनशाइन कमेंट करना, ठीक है? थैंक यू, आई लव यू। मैंने क्या ये आई लव यू क्या सुन फ्लो फ्लो में निकल गया दोस्तों, वी आर रेडी टू गो इनसाइड। आज से मैं इंग्लिश ब्लॉग करूँगा आपसे। सो दोस्तों वी आर इन द सेम प्लेस ऑल टुगेदर, सो गाइस वी हैव रीच्ड मोनेस्ट्री 2500 केव मोनेस्ट्री फुक्तर मोनेस्ट्री फुक्तर मोनेस्ट्री केव मोनेस्ट्री। This kid seems to be over smart, but no, he is tired kid. चल। इतना क्या थक गया एकदम। और मत चाय पी। कहाँ जा रहे? This place. Okay. दोस्तों बाबा फेटल हो चुका है, बट मजे की बात यह है कि भाई किस्मत हमारी पूरे ट्रिप पे अच्छी चल रही है, मेरी तो चली रही थी, बाबा ने ज्वाइन किया, किस्मत और बढ़िया हो गई दोनों की, क्योंकि जो हाँ यहाँ पर ना अभी हम लोग मोनेस्ट्री में रुके हैं, बट मोनेस्ट्री में रुकना अलाउड नहीं है, नहीं रुकने देते, परमिशन नहीं देते, नीचे गेस्ट हाउस है तो, बट क्या है कि गेस्ट हाउस आज पूरा का पूरा फुल है, अभी गेस्ट हाउस में कोई नहीं है, बट उन किसी 15 लोगों ने बुकिंग कर रखी है कि वो शायद शाम रात में पहुंचेंगे, तो उन्होंने हमें जगह देने से मना कर दिया, और क्योंकि अब हम इतनी दूर आए हैं 2.5-3 घंटे पैदल चल के जाना पड़ेगा, तो आउट ऑफ कर्टेसी काइंडनेस यहाँ पर हमें एक रूम दे दिया गया है मोनेस्ट्री के अंदर। बहुत ही सही फीलिंग है कि हम मोनेस्ट्री में रुके हैं। सुबह अभी यहाँ पर 6:30 बजे शाम को डिनर है, उन्होंने बोल दिया 4:30 ना डिनर कर लेना वरना भूखे सो। गुड मॉर्निंग दोस्तों मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं 2500 साल नींद पूरी करके बैठ गया हूँ, कुछ तो बहुत मस्त नींद आई, और ये खिड़की खुली रहेगी मेरे से, अभी खोली है मैंने, नहीं रात को खुली रहेगी थी, और ये वाला दो थे ना एक उधर गया चला,
सुबह में ठंड में बैंड बज गई, कुकड़ बन गया, चश्मा पहन लेता हूँ उठते, वेट अब ठीक है, अब मैं बनाऊंगा व्लॉग। तो यार दोस्तों ये क्या इश्क का दस्तूर ही ऐसा, ओह नो ये फोन पकड़ने का मन नहीं है। हेलो दोस्तों, मुझे पकड़ा दे। लग रहा हूँ मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, चल तो यार दोस्तों क्या कहते हैं, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है पर अभी मैं नींद से उठा हूँ, बोलने को बहुत कुछ नहीं है, बस इतना ही बोलूँगा कि मैं जिंदगी में बहुत घूमा लेकिन बेस्ट जगह यही थी, बहुत मज़ा आया, बहुत 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 मज़ा आया, और ऑल क्रेडिट गोज़ टू मिस्टर रौनक क्योंकि ये जिद करके मुझे इस जगह पे ले आया, और कल हमने बहुत मज़े किए रात में। रूम तो दिखा दोस्तों, मेरा रूम टूर देखो आप दोस्तों, ये जो रूम है ना ये कोई ऐसा ऐसा रूम नहीं है, 2500 साल पुरानी जगह पे बना हुआ रूम है और पहाड़ के अंदर ऐसे फिट किया हुआ है, हम बता नहीं सकते, अगर ड्रोन होता तो हम आपको शॉट दिखाते हैं हमारा, इसलिए आपको व्यू दिखाता हूँ, गिव इट टू मी, आई एम वर्थ इट। देखो दोस्तों, ओ भाई कहाँ है ये, देख रहे हो दोस्तों, चले चाय मिली होटल में दोस्तों, मैं रेस्ट में रुके हुआ हूँ।